राणे तो राणे तो मुझे मेरे राणा सर। अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या हाल है? तभी ठीक है, सर ठीक है, आपकी दुआएं। माशाल्लाह सर, ये नवा डिजाइन है, देख लो फिर। नहीं तो पीछे एक और पिया हो गए। हूँ मूव ऑर्डर कर रहे हैं यार, इन पहचान नहीं रहा कौन है। मिस्र तो आए ने तेन स्पेशल, फिर ऑन द बेटा है। नाइस टू मीट यू। ओथे दा फरौन वजाउन दा काम। राणा साहब, जनाब, आपको देख के मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है। सच में सर, मुझे ये नहीं पता चल रहा कि जवानी में बुढ़ापा आ रहा है या बुढ़ापे में जवानी आ रही है। सर ये मुझे सर इसका जवाब चाहिए। इसका जो आपको पसंद आए, जैसा चाहे वैसा पाए। सर क्या बात, माशाल्लाह। तो सर मुझे एक बात बताइए, जितने आप हसीन हैं, बात इन्होंने उम्र की, अभी भी लोग आपसे मोहब्बत का इजहार करते ही होंगे यकीन? जितने आप हैंडसम हैं, कैसे टैकल करते हैं लोगों की मोहब्बत के इजहार को? मोहब्बत तो जो खलूस दिल से की जाए, जो वो हमेशा पाक रहती है और उसको तस्लीम ही किया जाए, नहीं तो बुला कभी ना ठुकराया जाए, कभी ना ठुकराया। ठुकराने वालों, अगर तुम ठुकराना नहीं रोकोगे तो उससे ठुकराए जाओगे। क्या मतलब के मोहब्बत को ठुकराना नहीं चाहिए भाई। माशाल्लाह सर, तो ठुकराना में भी राना है। समझ आई है, टोपियां बनाने वाले फर्म है। सर माशाल्लाह सर, बहुत प्यारे लग रहे हैं। बहुत शुक्रिया। पटियाला जेल दे जेलर लगन दे। सर मैम माशाल्लाह लिखता रहता हूँ, मुझे लिखने का बड़ा शौक है सर। सच में बहुत प्यारे हैं। मेरे चौं ने मेरे मुंह ने या आप लिख रहे हैं या कह रहे हैं? हम इतने गैर संजीदा क्यों हैं? पता नहीं, अपने प्यो नु पूछ। हम इतने गैर संजीदा क्यों हैं? क्यों हम हर बात में मजाक का पहलू तलाश करते हैं? अफसोस तो इस बात का है कि हमने जिंदगी को मजाक बना लिया है, और जिस उम्र में हम संजीदा होते हैं, जिंदगी को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस पे मैंने एक छोटा सा शेर लिखा है सर, ये लाजमी सुनिएगा। वो जो खुश हैं तो इसलिए कि उन्हें वो जो खुश हैं तो इसलिए कि उन्हें उन्हें जिंदगानी का जोक था पहले पहले, उसकी संजीदगी बताती है उसको हंसने का शौक था पहले। मजाक में गुजर गई जिंदगी सारी, अर्जुन वेली ने पैर जोड़ के गुंडाची मारी। अपने आप च वड्डे लोक मैं जमा के छड़े लोक, ते धरती उत्ते रब बन बैठे, धरती उत्ते रब बन बैठे, झूठां दे विच बज्जे लोक। जिहनू कोई घर मूंह नहीं लाउंदा, बठा ते सज्जे खब्बे लोक। इश्क च सब कुछ साड़ में आया। वाह वाह, लगदा भी। इश्क च सब कुछ साड़ में आया, पीछे कुछ भी नहीं रहा। नहीं नहीं, फैसल साहब बहुत अच्छे शेर सुनांदे, बड़ी बड़ी चंगी गल करदे जी। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी चंगी गल। सियाणे कहिंदे नहीं कि मूंह भेड़ा होए ते गल ही चंगी करो। यार वाह वाह फैसल, अकरम साहब दीआं जूमां ने सिर दे विच बजरी सटाई। क्यों? कहिंदे भाई फिसलन बहुत दी। अच्छा
ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਦੀਆਂ ਜੂਆਂ ਜਿਹੜੀ ਜੁੱਤੀ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰਦੀਆਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਮੇਰੇ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਹਿਆ ਕਰੋ ਇਹ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੇੜਨ ਦੇ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਇਤਫਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਰਾਣਾ ਹੀ ਹਾਂ ਰਾਣੇ ਹੋ ਰਾਣਾ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਣਾ ਉਹਨੇ ਪੁੱਤ ਦੋ ਰਾਣੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵੇਖਣ ਅਕਲ ਸਭ ਸੱਚੀ ਨੂੰ ਕੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਆਦਮੀ ਸੋਚ ਚੁੰਗਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਸਿਰ ਬੱਲਿਆ सर मैं सच में सर आपका फैन हूँ एक्टिंग तो आप करते हैं लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आप टीचर भी हैं सर अरे सर मैं पढ़ना चाहता हूँ सर आप क्या पढ़ना चाहते हैं आप मुझे बताएं आप क्यों पढ़ना चाहते हैं सर मैं पढ़ना चाह रहा हूँ सर आप पढ़ें बिल्कुल क्या पढ़ूं सर आप जो मर्जी पढ़ें आप मैं आपको लिख के देता हूँ आप वो पढ़ें क्या मैं इंसान हूँ आप पढ़ना चाहते हैं ना सर मैं पढ़ना चाहता हूं चाहते हैं क्या पढूं आप इन पे पढ़ जाएं वो पढ़ना नहीं सर वो पढ़ना नहीं पढ़ना पढ़ना अच्छा पढ़ना वो वाला पढ़ना सर मैं पढ़ लिख के डॉक्टर बन सकता हूं बिल्कुल बन सकते हैं मैं कह तू राज के पार डॉक्टर बन गया ठीक है नहीं तो मरीज ते वट ते पे सर कौन सा डॉक्टर जानवरों का बिल्कुल बने जानवरों का डॉक्टर बने हमारे मुल्क में जानवरों की डॉक्टर की किल्लत है जरूरत है फैसल भाई पहले शायर होने होने पहले जानवरों के डॉक्टर सन अच्छा जी सर उन्होंने अस्पतालों काट देता क्यों एक खोते दी गोलियां आप खा गए सर ये आपके लिए सर इरशाद क्यों क्योंकि मेरे लिए तो इरशाद सर माशाल्लाह आप लिखते भी हैं सर मैं कभी कभार लिखता हूं सर मैं किश्तों की दरखास्त लिखानी बिल बहुत ज्यादा है लिख दे अच्छा चले अपना कुछ लिखा हुआ कुछ सुना दीजिए कह दीजिए कुछ बता दीजिए अरे नहीं नहीं मेरा लिखा हुआ कोई इससे इस काबिल ही नहीं है कि मैं सुना सकूं मैं ये हो सकता है कि इतना भेड़ा लिख दे क्यों कलम हाथ चढ़ जाती है फिर चलाई अच्छा मेरे जेडी कलम चलाई है ਉਹ ਜਰਾ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਮਾਤਾ ਤੇ ਵੀ ਚਲਾ ਦਿਓ ਤੇ ਪੂਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਨ ਹੈ ਸਰ ਜਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰ ਕੀ ਸੁਣਾਇਆ ਅਬ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਸਰ ਜਿੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੋ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਹੋ ਇੰਨਾ ਸੋਚ ਕੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਯਾਦ ਕਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੁਣਾ ਸੁਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਮੇ ਵੀ ਰਾਣਾ ਆ ਰਹਾ ਹੈ ਪੁਰਾਣਾ ਮੇ ਵੀ ਰਾਣਾ ਆ ਰਹਾ ਹੈ ਇਹ ਰਾਣਾ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਖੈਰ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਕਿਸ ਕੋ ਕਾਤਿਲ ਮੈਂ ਕਹੂੰ ਕਿਸ ਕੋ ਮਸੀਹਾ ਸਮਝੂੰ ਵਾਹ ਸਭ ਯਹਾਂ ਦੋਸਤ ਹੈ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਕਿਆ ਸਮਝੂੰ वो भी क्या दिन थे जब हर एक वहम यकीन होता था वाह वाह वो भी क्या दिन थे जब हर एक वहम यकीन होता था अब हकीकत नजर आए उसे क्या समझूं वाह दिल जो टूटा तो कई हाथ दुआ को उठे दिल जो टूटा तो कई हाथ दुआ को उठे ऐसे माहौल में किसे क्या समझूं जुल्म ये है कि है यकता तेरी बेगाना रवि जुल्म ये है कि है यकता तेरी बेगाना रवि लुत्फ ये है कि अब तक मैं तुझे अपना समझूं सर ये मैंने आपके लिए लिखा है सर स्पेशल इरशाद खान साहब सर नहीं सर वो बड़े लोग होते हैं मैं तो बड़ा आदना सा रोशनी की अशद जरूरत है बिल जमा कराओ अकरम साहब नूं जदों ठंड लगदी कोटी च नहीं पांदे सिर अंदर कर लैंदे इंज करके शेर सुनाना अच्छा रोशनी की अशद जरूरत है वाह 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 क्या बात फेसबुक तो एडवांस लिया हुंदा तुम कर जा फेसबुक रोशनी की अशद जरूरत है जरूरत जिंदगी ढेर खूबसूरत है आप जैसे हसीन लोगों की आज हमको अशद जरूरत है जिस तरह तूने जलाया है दिए से दिया यू आर माइंड ग्लोइंग माहिया यू आर माइंड ग्लोइंग माहिया यू आर माइंड